केन्द्र कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को भेटिले केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। फसल बीमा योजना टंका विलंबरे बीमा कंपनी और राज्य सरकार को अधिकारी को चंचकता नहीं तोमर को सह आलोचना का हिस्सा है। 50% केंद्र का हिस्सा है, बाकी जो बचता है वो किसान का प्रीमियम है जो ना के बराबर ही होता है। एक तौर से 1.5-2% रबी और खरीफ में सामान्यतः प्रधानमंत्री फसल बीमा की प्रक्रिया है कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा राज्य को देती है, कंपनी को देती है, लेकिन इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका चयन राज्य सरकारों को ही करना होता है। उड़ीसा में भी जो बीमा कंपनियां हैं उनका चयन उड़ीसा सरकार ने ही किया है। जब भी कभी प्राकृतिक ऐसे प्रकोप आते हैं तो राज्य सरकार की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने क्षेत्र का सर्वे करे और कंपनी के साथ शेयर करे। कंपनी और उन दोनों का जो आकलन है अगर वो मिलता है तो केंद्र सरकार बीच में कहीं नहीं होती है। कंपनी और राज्य सरकार में कभी उलझा होता है तो विषय केंद्र सरकार के समक्ष आता है, और जब भी उड़ीसा की ऐसी समस्या आई है केंद्र सरकार ने मध्यस्थता करके उसको निदान करने की एक कोशिश हमेशा की है। और अभी जो बरगढ़ जिले का विषय सामने आया उस मामले में भी उसको हल भी किया गया और जो पैसा देना चाहिए था वो पैसा भी दे दिया गया है। राज्य सरकार को चाहिए कि वो किसानों को बीमा कंपनी से उसे दिलवाए। मेरी जानकारी के अनुसार बहुत सारे किसानों को मिलना प्रारंभ हो गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये कहना चाहता हूँ, किसानों के विषय को और प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसे सुरक्षा कवच को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। हमारी पहली प्रतिबद्धता किसान के साथ है और किसान के साथ किसी भी प्रकार की कोई बात होगी तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार किसान के साथ हमेशा अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करती रही है और आगे भी करती रहेगी। कुछ विषय और भी आए हैं उनको भी हम परीक्षण कर रहे हैं। राज्य सरकार को भी हम ये कहने जा रहे हैं कि पंचायत के हिसाब से आप भी जरा परीक्षण करिए और हमको अवगत कराइए। सर वहाँ पे एक्स एमपी जो है प्रसन्न आचार्य जी ने बोले कि बीमा को लेकर राज्यों का कोई रोल नहीं होता है, रोल केंद्र का होता है और सबको पता है कि कहाँ पे लाकुना है और केंद्र ही इसको सोल्यूशन दे। नहीं, मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई। जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मैं अपने पहले वर्षन में दे चुका हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें 1.5-2% किसानों को अपना प्रीमियम देना होता है, बाकी शेष बचे हुए प्रीमियम में 50% केंद्र सरकार देती है, 50% राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार की कोशिश ये रहती है कि हम बिना मांगे ही अपना हिस्सा उनके पास पहुँचवा दें, इसलिए किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और बीमा कंपनियों का चयन करना ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। आज उड़ीसा राज्य में भी जो बीमा कंपनियां काम कर रही हैं उनका चयन भी राज्य सरकार ने ही किया है। सर वहाँ पे जो एक्चुअली जो बात सामने आ रहा है, जो क्रॉप कटिंग हुआ था जिसको जो आप बोलेंगे साइंटिफिक वे से उसको करना चाहिए था लेकिन वहाँ पे हुआ ना, आपको क्या लग रहा है, क्या कंपनी के साथ ऑफिसर का कुछ मतलब ऐसे कुछ बात है क्या जो सामने आना भी चाहिए? देखिए, दरअसल क्या है, कंपनी और राज्य सरकार को मिलकर वहाँ काम करना चाहिए। विशेष रूप से किसानों के प्रति राज्य सरकार की जिम्मेदारी पहली है क्योंकि राज्य सरकार का अमला सब जगह रहता है। जब भी कोई भी प्राकृतिक प्रकोप आए तो राज्य सरकार को सर्वे करना चाहिए, कंपनी को साथ में ले जाना चाहिए, ये राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ तो अगर राज्य का काम कंप्लीट होता है तो हमारे यहाँ तो किसी को एक घंटा भी देर नहीं। थैंक यू सर।
केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भेटिले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान फसल बीमा योजना टंका विलंब रे बीमा कंपनी और राज्य सरकार को अधिकारी को चंचकता ने तोमर को सह आलोचना करिसेंति धर्मेंद्र पूर्वरु धर्मेंद्र को सह साक्षात परे तुरंत बीमा कंपनी और राज्य सरकार को बीमा टंका देबा पाई निर्देश देतिले तोमर तेणु एवं 2021 मसीहा खरीफ ऋतु मरुड़ी संपर्क में घर बीमा कंपनी और ओडिशा सरकार को अधिकारी मानक चंचकता विषय में आलोचना कर 2021 खरीफ ऋतु में ओडिशा सरकार को द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजन बरगढ़ जिलार पद्मपुर झारबंद गायसिलोट विजेपुर सोहेला पाइकमाल एवं विजेपुर ब्लक में फसल बीमा दायित्व घर बीमा कंपानी एचडीएफसी एर्गो जेनेल इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया जाइतिला तबे उपजीतिबा मरुडी परिस्थिति रे ओडिशा सरकार को अधिकारी को द्वारा प्रदान करा जाइतिबा त्रुटिपूर्ण शस्य काट परीक्षण तथ्य एवं बीमा कंपनी द्वारा उक्त अमल तथ्यर हेरफेर हेतु चासी मानंकु आशातीत बीमा राशि तुलनारु कम बीमा राशि पैठ करा जाउछि। कृषक समूहर प्रतिनिधि माने एही घरोई बीमा कंपनी ओडिशा सरकार को अधिकारी को असाधु मेंटो जाणीशुणी शस्य काट परीक्षण बा सीसी तथ्य को हेरफेर करा जाइथिबार अभियोग करिछंती। आलोचन शस्य काट परीक्षण बेले स्थानीय प्रशासन अकर्मण्यता एवं एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्स्योरेंस कंपनी चंचकतार उदाहरण नहीं केन्द्रमंत्री तोमर को अवगत करेणु केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्र कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री को ओडिशारे एवं विशेषकर कृषि प्रधान बरगढ़ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यकारिता ओडिशा सरकार को अधिकारी को द्वारा त्रुटिपूर्ण शस्य काट परीक्षण और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना घर बीमा कंपनी गुड़िकर असाधु उपाय अवलंबन उपरे तदंत पाई अनुरोध करिछंति। तेबे अधिक आलोचना करिबा आम सह न्यू दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल आम सह जोड़ी होती। गगन अपडेट कौन आसुच्छ घटना को नहीं? हाँ देखो निश्चित भाव जो डिमांड गत काली थिला एवं तुमार साहब जो ट्वीट करते से कथा को ही से प्रतिक्रिय उल्लेख कर जो सर्वे कराई थिला क्रॉप कटिंग पर जो सर्वे कराई थिला ता कोठ ना कोठे साइंटिफिक वे रे करा जाय नहीं जहार रिपोर्ट गलत थिला जहाँ फल बीमा कंपनी गुड़िक से जो राय जो पैठ राशि जमा करने कथा से जमा कराई नाला जहाँ फल से नहीं ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता तेना तार गोटे लगुच निश्चित भाव गोटे समाधान बाट बाहरी जितेबाला केन्द्र शिक्षामंत्री भेटी और प्रसंगे ही आलोचना करते मुख्यतः दुई तीन टी दाबी से रखी थे। प्रथम कथा हूँ जो कंपनी गुड़िक जो अफिसर गुड़िक अफिसर मैंने जो मैंने सर्वे करते कौट ना कौटी असाधु उपाय अवलम्बन कराइला जहाँ फल डिले प्रोसेस होती बर्तमान दूसल अदालती परिस्थिति सृष्टि होती तेना उपयुक्त गोटे इनक्वारी करने से दाबी करते तुमार साहब गोटे कथा क्लीयर कले केन्द्रमंत्री तुमार निश्चित भाव गोटे कथ क्लीयर कले जोटा कि चाषी मान आश्वस्तिकर कथा जो पैसा मिलवा बर्तमान आरंभ होती पाखा पाखि 1,24,000 कोटी टंकार बीमा राशि सर्वभारतीय स्तर में चाषी को मिलवा नहीं गोटे प्रकार सुनिश्चित करेक्षी में प्रसंग चाषीर प्रसंग ए बीमा कथा को लेकिन स्कीम को लेकिन राजनीति हेबार कथा नुहे जो कथा प्रसन्न आचार्य गत काली क्वेश्चन तैयारी करते भारतीय जनता पार्टी पर से प्रसंग में आम प्रश्न करूँ कि ये प्रसंग को नहीं कौट ना कौटी राजनीतिक प्रतिक्रिया से देना गोटे कथ को क्लीयर कर चाषी को हक मिल चाषी को पाई ये बीमा जो राशि जहाँ रही मिले से नहीं चिट्ठी ऑलरेडी हो सारी एवं जो भी किसी जब असुविधा होती से पर्सनल देखिए समस्या बुझे तेणु जो 76.5% जो कह ग्राम पंचायत 76.56 हार जो आशा कराता बीमा राशि तुलना मात्र 5% अनेक जगार पैठ कराई तेणु या कौटना कौटी सीरीयसली देखिए और निर्दिष्ट भाव एरिया गुड़िकी आप देखिए जो पद्मपुर जिलार झारबंद रही गायसिलोट रही विजेपुर कहतु सोहेला कहतु पाइकमाल कहतु यू ब्लक गुड़िकनेक गुड़ी एरिया रही कौटना कौटी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्स्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को यार दायित्व दिया तेणु कंपनी बाछवार दायित्व केन्द्र नुहे कंपनी बाछवा दायित्व राज्य हाथ रही तेणु क्यों कंपनी मान सहित किभली से एमयू कर तार सर्वे किपर करा तेणु अनेक गुड़ी कथा राज्य हाथ में नष्ट रही तेणु से सबूगुड़ी जदि ठीक प्रपर वे हे तेबाई समस्या उपजीव ना गोटे प्रकार स्पष्ट होती।